अगर आप भी हेल्दी प्लम केक घर में बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को पूरा देखिए। इसे मैंने कढ़ाई और ओवन दोनों में बनाया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बनाएंगे सॉफ्ट एंड मॉइस्ट प्लम कपकेक। इस रेसिपी को मैंने ओवन में और विदाउट ओवन दोनों भी बनाया है, साथ ही इसे मैंने स्टील की कटोरियों में बनाया है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिए, इससे आपको रेसिपी अपलोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। चलिए देर नहीं करते हैं, बना लेते हैं प्लम कपकेक। अगर आप इस कपकेक को कढ़ाई में बना रहे हैं तो एक मोटे तले वाली कढ़ाई ले लीजिए, इस पे रिंग रख दीजिए, गैस को ऑन करके फुल फ्लेम पे 10 मिनट के लिए प्री हीट होने दीजिए। और अगर ओवन में बना रहे हैं तो ओवन को 180 डिग्री कन्वेक्शन मोड पे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर दीजिए। उसके बाद कपकेक की तैयारी कीजिए। सभी ड्राई फ्रूट्स को छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है और एक बर्तन में डाल देना है। ये ड्राई फ्रूट्स मैंने कितने लिए हैं इंग्रेडिएंट लिस्ट में दिया हुआ है और इनके हिंदी में नाम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। प्लम्स को भी थोड़े छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए क्योंकि ये काफ़ी बड़े होते हैं। इसी तरह डेट्स को मीन्स गीले खजूर को भी छोटे टुकड़ों में कट करके इसी बर्तन में डाल देना है। इनमें से अगर आपके पास कुछ ड्राई फ्रूट्स नहीं हैं या फिर प्लम नहीं है तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं, उसके बिना भी केक का टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। अब इसमें ही डाल दीजिए हाफ कप फ्रूट जूस या फिर कोल्ड ड्रिंक। मैं यहाँ पे ऑरेंज कोल्ड ड्रिंक डाल रही हूँ, आप फ्रेश फ्रूट जूस भी डाल सकते हैं। एक घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। अच्छे क्वालिटी की स्टील की कटोरियों को ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। अगर आपके पास कपकेक मोल्ड है तो उसे ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। अब एक बड़े बर्तन में दालचीनी का पाउडर, अदरक का पाउडर मीन्स सौंठ और साथ ही इलायची पाउडर डाल दीजिए। इसमें ही डाल दीजिए मैदा, कॉर्नफ्लोर, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। इन सबको मिला के छान लेना है और मिक्स करके साइड में रख दीजिए। एक पैन में 3 टेबलस्पून चीनी डाल दीजिए, फ्लेम को लो कर दीजिए। चलाते हुए इस चीनी को हमें कैरेमल करना है। इसे चलाते रहिए, धीरे धीरे ये मेल्ट होने लगेगी और कलर इसका ब्राउन हो जाएगा। जैसे ही इस कलर की हो जाए फ्लेम को बंद कर दीजिए। 1/4 कप पानी डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कैरेमल शुगर और पानी मिल जाना चाहिए। अब इस शुगर को हम डाल देंगे भीगे हुए ड्राई फ्रूट में। भीगे हुए ड्राई फ्रूट को एक बड़े बर्तन में पलट दीजिए। इसमें ही डाल दीजिए मेल्टेड बटर या फिर अनफ्लेवर ऑयल, कंडेंस मिल्क। इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ ही 1 टीस्पून विनेगर को 1 टीस्पून पानी में मिला के साइड में रख दीजिए। अब इसमें मिला लीजिए ड्राई इंग्रेडिएंट। एक हाथ से ड्राई इंग्रेडिएंट डालते जाइए, दूसरे हाथ से कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करते जाइए। इस प्रोसेस को करते समय ध्यान रखें हल्के हाथों से ही मिक्स करें, बहुत जल्दी जल्दी मिक्स नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है ये बैटर थोड़ा सा ड्राई है तो ही इसमें नॉर्मल टेम्परेचर का दूध या पानी डालना है, मैंने नहीं डाला है। मैं यहाँ पे अब डाल रही हूँ पानी में मिला हुआ विनेगर। अच्छे से मिक्स कर लेना है, विनेगर पूरे बैटर में अच्छे से मिल जाए इसलिए हमने इसमें पानी मिला के डाला है। पानी मिलाने से विनेगर बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है और मिलाने में प्रॉब्लम नहीं होता है। आप चाहें तो इसमें वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। अब इसे पलट दीजिए ऑयल से ग्रीस की हुई कटोरियों में या फिर कपकेक मोल्ड में, जो भी आपके पास है। ऊपर से ड्राई फ्रूट लगाइए, चेरीज लगाइए और अब इसे टैप कर लीजिए। 2 से 3 बार टैप करने से एक्स्ट्रा एयर बबल्स निकल जाएंगे। अब अगर कढ़ाई में बना रहे हैं तो इसे कढ़ाई में रख दीजिए। देखिए इस तरह से सेट कर देना है। सभी कटोरियाँ एकदम सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बैटर नीचे गिर जाएगा। ऊपर से ढक्कन रखिए, फ्लेम को लो कर दीजिए। लगभग 20 मिनट तक इसे बेक होने दीजिए। 20 मिनट में ये बेक हो जाएगा। और अगर ओवन में बना रहे हैं
तो ओवन में रख दीजिए। मैंने यहाँ पे दो कटोरियों को ओवन में रखा है। इसे कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पे लगभग 18 से 20 मिनट तक बेक कर लेना है। मैंने यहाँ पे 18 मिनट सेट किया था, 18 मिनट में ये बेक हो गए थे और कढ़ाई वाला बिल्कुल 20 मिनट में परफेक्ट बेक हो गया है। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट कलर आया है। अगर आप इसे कढ़ाई में भी बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा बनता है। कढ़ाई के बदले आप बड़ा भगोना या कुकर भी यूज़ कर सकते हैं। ओवन वाला देख लेते हैं। वाओ, ओवन वाला भी उतना ही परफेक्ट बना है। मुझे उम्मीद है अब आप भी घर में आसानी से बच्चों के लिए ये हेल्दी प्लम केक जरूर बनाएंगे। मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इसे कब बना रहे हैं। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।